नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, लेकिन पहाड़ी राज्यों में अभी भी बर्फबारी हो रही है। उत्तर भारत में तो गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन आखिर क्या वजह है कि पहाड़ों पर अब भी बर्फबारी हो रही है? चलिए आपको बताते हैं कि देश में एक साथ दो तरह के विपरीत मौसम क्यों हो रहे हैं और आपके राज्य का मौसम कैसा रहने वाला है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 2 डिग्री कम है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, लेकिन इसके बावजूद अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक तापमान 33 से 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना भी जताई है। हालांकि इस दौरान लू चलने का कोई पूर्वानुमान नहीं है। दिल्ली में अगले 4 दिनों के दौरान आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलेंगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में अप्रैल के शुरुआती दिन गर्म रहने की संभावना है। वहीं झारखंड के कुछ क्षेत्रों में 4 अप्रैल से गर्मी के मौसम की पहली लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रह सकता है।